आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम महीने के 250 रुपए जमा करते हैं तो हमें जब ये खाते की जो मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो कितना पेमेंट मिलेगा, ये आप सब जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आप महीने के 250 रुपए जमा करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यह जो राशि है वह एक साल की लगभग होती है 3000 रुपए, और 15 साल की जो धनराशि हम यदि टोटल करें तो यहाँ पे होते हैं 45000 रुपए, जो कि यहाँ पे आप दे सकते हैं। लेकिन 15 साल खाता मैच्योर नहीं होता तो उसके लिए 6 साल का इंतजार करना पड़ता है, जो 6 साल बाद 21 साल तक जमा करने पर ब्याज सहित आपको 82,303 रुपये आपको 7.6% ब्याज की दर से आपको मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो ब्याज आपको मैंने बताया यह समय के साथ ज़्यादा या फिर कम हो सकता है, और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि 21 साल बाद जमा पैसा कुल ब्याज को जोड़कर पैसा वापस मिलेगा वो होता है यहाँ पे 1,27,303 रुपये। यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि अकाउंट के मैच्योरिटी पूरी होने पर बेटी को टोटल 1,27,303 रुपये धन राशि मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यदि आप महीने के 250 रुपये जमा करते हैं तो यहाँ पर जब ये खाता की जो मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो यहाँ पे आपको कितना पेमेंट मिलेगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।